फॉर मी दैट्स मस्ट बी फैमिली, बिकॉज हमारे पास जो फैमिली होती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में. बाकी सभी से हमें फैमिली से जब जो मिलता है वो किसी से भी नहीं मिल सकता. सो आई थिंक आई हैव हैप्पी फॉर माई फैमिली. थैंक यू. देखिए, हैप्पी रहने का ऐसा कोई सिद्धांत तो नहीं है, ना इस पर कोई थ्योरी है, बट अगर हमें हैप्पी ही रहना है या हम अपनी तरफ से ऐसे रहना चाहते हैं तो हम ये कर सकते हैं कि हम प्रेजेंट मोमेंट्स में अपनी लाइफ स्पेंड करें. हम प्रेजेंट में जितना ज़्यादा रहेंगे तो उतने ही ज़्यादा खुश रह सकते हैं. हैप्पी कैसे रहा जाए, इसका आंसर मैं अभी खुद ही ढूंढ रहा हूँ. मेरी रिसर्च अभी जारी है इस बारे में कि खुश कैसे रहा जाए, क्योंकि अपनी अपनी एक खुशी का ज़रिया होता है. आप किस तरीके से हैप्पी रहना चाहो ये आप पे निर्भर करता है. दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढ सकते हैं आप, अपनी खुद की खुशी में खुशी तो मिलती है खैर इंसान को, लेकिन अगर जवाब मिले तो हम आपको ज़रूर बताएंगे. हैप्पी हम ऐसे रह सकते, मतलब किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे और मतलब खुद पे अपने, मतलब जितना हम लोगों को खुश करने में लगते हैं उतना हम खुद को खुश करने पे खुद पे इन्वेस्ट करेंगे और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, दोस्त वगैरह सबके साथ सोशल रहो और ऐसे हम खुश रह सकते हैं. और बाकी मेडिटेशन, योगा, ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं. इफ़ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी देयर इज़ नो रीज़न, बिकॉज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू हैव अ गोल. After that, if you have a goal, you always stay motivated and dedicated for that. If you are dedicated and motivated and you work hard every day for that, the end of the day you will always be happy because you know you have done something good for the day and it's make worth for it. अपना एक goal ढूंढो life में कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें किस चीज़ में happiness मिल रही है. उस पाथ पे चलते जाओ, फिर लोग तुम्हें बहुत कुछ कहेंगे लेकिन उनको इग्नोर करना सीख जाओ. जैसे इग्नोर करना सीख जाओगे हैप्पी रहना भी सीख जाओगे. आई थिंक सेटिस्फेक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू बिकेम हैप्पी. जब हम हैप्पी रहने के लिए सेटिस्फेक्शन ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब हम अनवांटेड कोई डिजायर्स हमारे अंदर नहीं रहती हैं तो वो हमें डिस्टर्ब भी नहीं करती हैं और हमको अपने जो गोल होता है एक मेन उससे डिस्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाती हैं. तो इसलिए हमें जो भी है हमारे पास उसे सेटिस्फाई रहना चाहिए हमेशा ऑलवेज. आई थिंक फॉर मी बीइंग माई सेल्फ इज हैप्पी. इफ़ वी वांट टू लाफ जस्ट लाफ, इफ़ वी वांट टू क्राई जस्ट क्राई, इफ़ वी वांट टू बी सैड जस्ट बी सैड. एंड आई थिंक इट इज़ द बेस्ट वे ऑफ communicating the emotion. So I think so. Thank you. I think so happy होने के लिए लोगों को कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सब उनके पास बस थोड़े अच्छे दोस्त हों और कुछ जहाँ लाइक उनके साथ वो घूम टहल सकें, अच्छे से बातें कर सकें, टू बी फ्रेंडली, दैट्स अ हैप्पीनेस. टू बी हैप्पी हमारी इनर, मतलब अंदर से आता है कि अगर हम अंदर से खुश है तभी हम बाहर से खुश है. ऐसा नहीं होगा कि हम दूसरों की खुशी के लिए कुछ अपने आप को सेक्रीफाइस करें, करना पड़ता है, पर हमेशा अपनी खुशी, मैं कहूँगी कि अगर तुम सेटिस्फाई हो तभी तुम खुश हो पाओगे. तो अपनी खुशी को प्रायोरिटी रखो और प्रोडक्टिव वर्क करो तभी तुम्हें ऐसा होगा. अगर हम, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी, अगर मैं एक दिन में एक भी क्लास अटेंड नहीं करती हूँ तो एंड में कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कुछ अंदर से ऐसा आ रहा है कि अरे यार ये नहीं किया, पर अगर एक भी क्लास अटेंड करो तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है. और वही मैं कहना चाहूँगी शायद हैप्पी इज़ नथिंग बट जस्ट लविंग योर सेल्फ. लव योर सेल्फ, यू विल बी ऑलवेज हैप्पी. सो इट्स अ थॉट ऑफ माइंड. Do whatever makes you happy. Happiness can be found in little things. Just like you can go for a walk, go for a coffee, you can talk to with your friends. ऐसे नहीं, जिस चीज़ में आपकी खुशी हो, जिस चीज़ में आपकी रुचि हो बस वही करो, ज़्यादा लोड नहीं लेना है. और एच एन बी में है तो खुशियाँ तो भर गया दोस्तों के. तो खुश रहने के लिए हमें ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना चाहिए. और अगर हम ओवर थिंक कर रहे हैं तो मतलब अगर डिप्रेस्ड हो रहे हैं तो अपने दोस्तों से मिले, चिल करें, मतलब बहुत छोटी लाइफ है, ऐसे अच्छे से रहें, एक ही बार मिलती है, घूमो फिरो, दैट्स इट. अब खुश रहें यार सब, क्योंकि छोटे छोटे गोल्स बनाएं और उसको गोल्स को पूरा करें एवरीडे और खुश रहें. अपना लाइफ में अपनी खुश रहें. अब दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढने से अच्छा है कि अपने लाइफ में खुश रहें. और क्या, आई एम हैप्पी व्हेन आई एम जस्ट टॉकिंग माई फैमिली और फ्रेंड्स.
with any topic, just blah blah blah, just sitting and talking.